हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज आप जैसा कि आप इस पोस्टर में देख पा रहे होंगे कि ये एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज होंगे जो आज तक एग्जाम्स के अंदर आ रखे हैं और हम इन एमसीक्यू सीरीज के अंदर बेसिकली फोकस करेंगे सिंगल्स की बुक के ऊपर और इस बुक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लगभग लगभग नौ सौ हैं और उससे नौ सौ को पूरा करते हुए हम आज हमारा इसका पहला पार्ट करेंगे जो कि पार्ट है पार्ट वन और उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर से लेकर वन फोर्टी तक अब हालांकि मैंने आपको पूरा इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट करवा भी दिया है आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और अब क्योंकि हमने वो पूरा कर लिया है तो अब हम उसके एमसीक्यूज भी वन बाय वन करेंगे अब जैसे कि आज अगर ये एक से वन फोर्टी नाइन तक हो जाता है तो कल हम डेढ़ सौ से लेकर तीन सौ तक करेंगे तो मेरा मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके तीन हफ्ते के अंदर अंदर ये सौ साढ़े नौ सौ क्वेश्चन अराउंड है इसके कॉन्ट्रेक्ट एक्ट के ये मैं पूरा करवा दू तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि बात करेगा इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट के एम सी क्यूज के बारे में और क्योंकि आज ये पहला सेशन है इसका तो देखते हैं इसके बारे में अब इस सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है पहला क्वेश्चन है अ प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम्स वॉट मैंने आपको बताया था सेक्शन टू बी के अंदर जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टेड प्रपोजल या एक्सेप्टेड ऑफर और जब वो एक्सेप्टेड हो जाए तो वो क्या होता है वो होता है प्रॉमिस और प्रॉमिस हमें कहां दे रखा है सेक्शन टू बी के अंदर तो एवरस के ऑप्शन देखते हैं अ प्रपोजल वैन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस ठीक है ये बात सही है अब सेक्शन क्या है सेक्शन टू बी तो ये हमारा आंसर इसका आंसर होगा ए यहां तक की बात क्लियर है अब हम देखते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है कंसीडरेशन इसका भी सही है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा अ प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफाइज कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है अब पहले हम देखते हैं का मतलब हमने क्या पढ़ा था समथिंग इन रिटर्न इन रिटर्न कुछ कुछ याद आया होगा आपको अब अगर हम इसका ऑप्शन ए देखें इक्वलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता फेयरनेस इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ये भी नहीं होता बारगेन एलिमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एलिमेंट के बदले में कुछ और एलिमेंट देना अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो आप उसको उसके बदले में मेरे को सामान दोगे तो ये होता है बार्गेन एलिमेंट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यहां तक की बात क्लियर है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हु दो राइट कौन सी पार्टी के पास राइट नहीं होता किसी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए अब क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स ओनली अब पार्टी टू अंट्रैक्ट कैन एनफोर्स तो ऑप्शन देखते हैं स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट अब स्ट्रेंडर्स क्या होते हैं जो पार्टीज नहीं होते अब जो पार्टी नहीं होंगे वो क्या होंगे वो एनफोर्स नहीं करवा सकते तो इसके पास राइट नहीं होगा तो किसके पास नहीं होगा स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट के पास राइट नहीं होगा अब अगर हम ऑप्शन बी देखें पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इसके पास राइट होता है स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर टू टू भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है क्योंकि हमने ये consideration में पढ़ा था अब हम देखते हैं प्रोवाइडर ऑफ कंसिड्रेशन ये भी करवा सकता है लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रेंजर स्ट्रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो वो नहीं करवा सकता तो हमारा इसके अंदर तो आंसर क्या होगा आंसर ए यहाँ तक की बात क्लियर है अब आपको एक एक करके रिवीजन भी हो रहा है और आप एक एक करके इसके एमसीक्यू भी देख पा रहे हैं <laughs> अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की

मतलब सुरेंद्र नाम का एक आदमी था उसका कुत्ता खो गया अब उसने उस कुत्ते के रिगार्डिंग अखबार में एड दे दिया अब उसमें यह लिखा था कि जो भी मेरे इस कुत्ते को ढूंढ के लाएगा उसको मैं बीस हजार रुपए का इनाम दूंगा अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या ये प्रपोजल है क्या ये इनविटेशन टू प्रपोजल है क्या ये एक्सेप्टेंस है या क्या ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है अब अगर हम बात करें क्या ये प्रपोजल है हाँ ये बिल्कुल प्रपोजल है प्रपोजल है क्योंकि यहां पर क्या किया गया है सुरेंद्र ने ऐड दिया है कि अगर आप ये मेरा काम करेंगे, तो मैं आपको इसके बदले में अब यहां पर इसकी विलिंगनेस क्या है कि अगर आप मेरे को मेरा कुत्ता लाके देंगे तो मैं आपको बीस हजार रुपए का इनाम दूंगा यहां तक की बात समझ में आ गई इन्विटेशन और टू तो ऑफर बिल्कुल नहीं हो सकता और ये एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं और ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जहां तक ये बात क्लियर है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एन ऑप्शन इनटू अ अग कॉन्ट्रैक्ट कब एक ऑप्शन एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगा एन ऑप्शन टर्न्स इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब एक ऑप्शन सेल एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगी जैसे ही ऑक्शनियर अपना हथौड़ा नीचे मार देगा तो इसका आंसर होगा अपॉन अ फॉल ऑफ है जैसे ही वो ऑक्शनियर अपना हथौड़ा नीचे मार देगा तो वैसे ही ये जो ऑक्शन सेल है या जो ऑक्शन है वो किसमें बन जाएगी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगी मतलब जैसे हथौड़ा मारा जो सामने वाले ने बोली बोली थी वो उस वो बोली बोलने वाला अपनी उस बोली पे बाउंड हो गया और उसको उस तय समय पर उस तय समय सीमा पर जो अमाउंट तय की गई थी वो चुकानी पड़ेगी यहाँ तक की बात क्लियर है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि सेक्शन टू जी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेट टू बी जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते जो एग्रीमेंट यहां पे बात करिए एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मत पढ़ लेना इसको ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो क्या होंगे क्या वो इम्पोसिबल टू परफॉर्म होंगे बिल्कुल नहीं क्या वो इलीगल होंगे बिल्कुल नहीं क्या वो अनलॉफुल होंगे बिल्कुल नहीं क्या वो वॉइड होंगे हाँ वो वॉइड होंगे क्योंकि हमने पढ़ा था सेक्शन टू जी के अंदर किसकी डेफिनेशन दे रखी है हमें वॉइड की लेकिन वॉइड क्या वर्ल्ड एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करना यहां तक कि अब वर्ल्ड एग्रीमेंट यहां पर बात की गई है एग्रीमेंट होंगे वर्ल्ड यह बात ध्यान रखना अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर सेवन में यह बोला गया है कि इन दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट रिस्पॉन्स ढूंढो फाइंड आउट द करेक्ट रिस्पॉन्स देखते हैं पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट कंसिडरेशन मैंने आपको कंसिडरेशन में पढ़ाया था कि कौन सी कंट्री के अंदर पास्ट कंसिडरेशन नहीं होती तो हमारा होगा इंग्लैंड के अंदर या फिर होगा इंग्लिश लॉ के अंदर क्या इंडिया में होती है हाँ सर बिल्कुल होती है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये इंडिया में तीनों होती है लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ इंग्लैंड के कंटेस्ट में तो वहां पर पास्ट कंस्टिट्यूशन होता है अब ऑप्शन में देखते हैं करेक्ट अंडर इंडियन लॉ नहीं क्योंकि हमने क्या पढ़ा था इंडिया के अंदर तो भैया पास्ट भी होता है प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है ऑप्शन बी देखते हैं करेक्ट अंडर इंग्लिश लॉ अब चाहे इंग्लिश लॉ आ जाए चाहे ये इंग्लैंड लॉ आ जाए दोनों बात सेम होंगी तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है अब ऑप्शन सी देख लेते हैं करेक्ट अंडर बोथ इंग्लिश लॉ एज वेल एज इंडियन लॉ ये कैसे सही हो जाएगा जब हम ऊपर ऑप्शन ए में पढ़ के आएंगे भैया इंडियन लॉ के अंदर तो तीनों आते हैं तो ये ऑप्शन भी गलत नॉट करेक्ट अंडर बोथ ऐसा कैसे हो जाएगा जब हम ऑप्शन नंबर बी के अंदर पढ़ के, के आए हैं कि इंग्लिश लॉ के अंदर ये माना जाएगा तो इसको हम कैसे मना कर देंगे तो ये भी हमारा आंसर तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट की तो क्वेश्चन नंबर एट कहता है लीडिंग केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इज रिलेटेड टू व्हाट जनरल ऑफर काउंटर ऑफर इनविटेशन टू ऑफर और लैप्स ऑफ ऑफर अगर आपको ये ध्यान होगा कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक वाले केस के इफेक्ट क्या थे तो आप ये आराम से बता सकते हैं मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक के अंदर एक लेडी थी उसने क्या किया एक कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी थी दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसका एड पढ़ा न्यूज़पेपर में उसमें ये लिखा गया था अगर कोई भी आदमी अगर कोई भी शख्स हमारी ये दवाई दिए गए डिस्क्रिप्शन दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लेता है और उसको लेने के बाद भी अगर उसको बुखार या इन्फ्लुएंजा होता है तो उसका कंपनसेशन हमारी कंपनी कार्बोलिक कंपनी देगी लेकिन क्या हुआ एक महिला थी उसने क्या किया अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एड पढ़ने के बाद क्या किया दवाई उसका सेवन किया लेकिन फिर भी उसको बुखार हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया अब उस लेडी ने क्या किया उस लेडी ने कोर्ट में केस किया किसके खिलाफ इस कार्बोलिक कंपनी के खिलाफ अब जब कोर्ट में केस किया तो कार्बोलिक का ग्राउंड ये था कि हम तो आपको जानते ही नहीं आपका हमारे साथ कैसे हुआ लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कोर्ट ने ये कहा जज जैसे ही आपने और वो अपना एडवर्टाइजमेंट दिया अखबार के अंदर और जैसे इस लेडी ने उस एडवर्टाइजमेंट के बिहाव पर आपकी दवाई खरीदी और उसको उसी तरीके से लिया जैसे आपने बताया गया था तो आप एक तरीके से बाउंड हो गए क्योंकि आपका ये जो तो ऑफर था कैसा ऑफर था जनरल ऑफर था और जनरल ऑफर कैसा होता है कि भैया किसी ने भी लिया हो अगर आपकी दी हुई कंडीशन पूरी कर दी है तो आप उस ऑफर के अंदर बाउंड हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यहां तक ये बात क्लियर है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द डॉक्ट्रेन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स डॉक्टर ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा था ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैंस्यू मतलब जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वही आपस में शू कर सकते हैं उसके अलावा और कोई नहीं करेगा देखते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट अफेयर बिटवीन द पार्टीज ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कंसिड्रेशन कैन बी सप्लाइड ओनली बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं स्ट्रेंजर टू अंसिड्रेशन भी कर सकता है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स ओनली बाय सिविल एंड प्राइवेट एक्शन नहीं कैसे भी हो सकता है ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंड बी स्यूड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ऊपर मैंने क्या बताया था ओनली अ पार्टी टू अ अंट्रैक्ट एंड स्यूड अपॉन यहां तक की बात करें तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टेन अब मैंने आपको कंसिडरेशन में बताया था उसका मतलब क्या होता है समथिंग इन रिटर्न बदले में कुछ अब उस बदले में कुछ को हम लैटिन टर्म में क्या बोलेंगे क्विड प्रो क्यू क्विड प्रो क्यू और इस, इसका मतलब क्या होगा समथिंग इन रिटर्न बदले में कुछ और यह क्या होता है यह होता है कंसिडरेशन और कंसिडरेशन दे रखा है हमें सेक्शन टू डी के अंदर यहां तक की बात क्लियर तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन ए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन जो कि बात करता है हु इज कॉल्ड प्रोमिसी अकॉर्डिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोमिसी कौन होता है अब इससे पहले कि हम प्रोमिसी के बारे में पढ़ें हमें इसका सेक्शन मालूम होना चाहिए सेक्शन क्या है सेक्शन टू सी जिसके अंदर क्या बात कर रखिए प्रोमिसर और प्रॉमिसी के बारे में प्रॉमिस देने वाला प्रॉमिस देने वाला कौन होगा प्रोमिसर प्रॉमिस एक्सेप्ट करने वाला प्रॉमिसी देखते हैं डेफिनेशन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड जिसके लिए ऑफर बनाया गया है ये आधा सही है आधा गलत है तो उसको हम गलत मानेंगे पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल जिसके लिए बनाया गया है उसने एक्सेप्ट किया हो इसने एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा अब आप पूछेंगे सर ऊपर भी तो सही था हाँ सही था लेकिन इसमें अगर ऐसे लिखा होता पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट लिखा होता पूरा लिखा होता तब ये सही होता लेकिन अभी क्या है इसने आधी बात लिख दी अब आधी बात लिख दी तो हम आधी को पूरी कैसे मान लेंगे हम अगले में देखेंगे तो पर्सन एक्सेप्टिंग ऑफिड या पर्सन एक्सेप्टिंग प्रपोजल अब इसने एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन गया प्रॉमिस और जिसने एक्सेप्ट किया वो बन गया प्रोमिस ही सिंपल सी बात है आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एग्जीक्यूट्री कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन मतलब दोनों के पार्ट में कुछ ना कुछ काम पेंडिंग है कुछ ना कुछ काम दोनों के पार्ट में अभी करना बाकी है देखते हैं पास नहीं होता म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ वन फॉर अदर एक कंसीडरेशन के बदले में दूसरा कंसिडरेशन ये होता है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन प्रेजेंट कंसिडरेशन नहीं होता रेसिप्रोकल प्रोमिस नहीं होता तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन नोटिस इन अ अजपेपर इन्वाइटिंग टेंडर अखबार में दिया गया टेंडर के लिए नोटिस वो क्या होगा क्या एक प्रपोजल होगा बिल्कुल नहीं प्रोमिस जब प्रपोजल ही नहीं हो तो प्रोमिस किस बात का होगा इन्विटेशन टू प्रपोजल होगा या इन्विटेशन टू ऑफर होगा हाँ जी ये होगा इन्विटेशन टू प्रपोजल या इन्विटेशन टू ऑफर अब ये ऐसा क्यों होगा क्योंकि क्या होगा कि जब वो कंपनी कंसर्न कंपनी अखबार में एड देगी उसको पढ़ करके जिसने पढ़ा है इंटरेस्टेड वो उसको प्रपोजल देगा कि सर मैंने आपका ये टेंडर पढ़ा था अब आप मैं आपको अपनी कोटेशन भेज रहा हूं और मैं आपका काम करने के लिए इच्छुक हूं अब इस यहां पर प्रपोजल किसने दिया जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा है मतलब कस्टमर ने दिया अब उसका पढ़ने के बाद उस कंपनी की मर्जी है कि उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इन अ कॉन्ट्रैक्ट भी सप्लाई बाय अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कंसिडरेशन की डेफिनेशन एट द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसी एंड एनी अदर पर्सन और एनी अदर पर्सन तो मतलब वहां पे प्रोमिसी तो है ही चलो ओनली अ प्रोमिसी ओनली लिखा है तो यहां पे गलत हो गया क्योंकि वहां पे क्या लिखा था प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डेफिनेशन याद आई सेक्शन टू डी की प्रोमिसी भी था और कोई और आदमी भी हो सकता तो मतलब ओनली द प्रोमी यहाँ पे मामला गलत हो गया अब हम देखते हैं प्रोमिसर भैया यहाँ पे तो प्रोमिसर की डिजायर होती है तो ये तो वैसे गलत हो गया ओनली बाय भी गलत हो गया इवन बाय a contract बिल्कुल सही बात है सही बात क्यों है क्योंकि यहां पर ये यह जो लिखा हुआ है ना वर्ड एनी अदर पर्सन तो इसके अंदर स्ट्रेंजर भी इंक्लूड है तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे डी ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर हर एक प्रोमिस और हर एक सेट ऑफ जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनाए वो क्या होगा हमारा प्रोमिस होगा नहीं क्योंकि क्या था प्रोमिस सेक्शन टू बी में था पहली चीज और क्या था वेन अ पर्सन टू होम ऑफर इज मेड सिग्निफाइज एसेंट देयर टू और जैसे ही वो एक्सेप्ट हो गया तो क्या बनता है प्रॉमिस तो ये आंसर तो हो गया हमारा गलत देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है हाँ ये होता है क्या लिखा था डेफिनेशन सेक्शन टू ई के अंदर एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ फॉर्मिंग फॉर अदर इज तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा ऑप्शन सी का सही होगा नहीं क्योंकि इसके डेफिनेशन हमें क्या रखे सेक्शन टू डी के अंदर अब क्या ऑप्शन डी सही होगा नहीं इसकी हमें डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन टू एच के अंदर तो हमारा इसके अंदर आंसर क्या है सेक्शन टू ई एग्रीमेंट ऑप्शन बी चलें आगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से दी गई बातों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है देखते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या ओरल हो सकता है हो सकता है में लिखा है हो सकता है ये बात तो सही है अब ऑप्शन बी देख लेते क्या लिखा है मस्ट बी इन राइटिंग क्या ये कंपलसरी है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही हो नहीं सर ये कहीं नहीं मेंशन मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस ये भी जरूरी नहीं है मस्ट बी इन राइटिंग ऑन स्टेम पेपर ये भी जरूरी नहीं है तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द टू मेन कंपीटिंग डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कॉमन लॉ कॉन्ट्रैक्ट की दो डेफिनेशन किसके अंदर कॉमन लॉ के अंदर देखते हैं पहली कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस विथ द लॉ एंड फोर्स इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना एग्रीमेंट एन फोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो ले सकते हैं अब आप पूछोगे ऐसे कैसे लिख देंगे मैं, मैं कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस 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 और और सेट सेट ऑफ ऑफ अब जहां पर ये बात आ गई की तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ के आया था सेक्शन टू के अंदर ये क्या होते हैं एग्रीमेंट होते हैं और जब ये एनफोर्स हो जाए विच द लॉ विल एनफोर्स एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ क्या हो गए कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये डेफिनेशन एक हो गई हमारी अब हम देखते हैं अगली डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू ऑब्लिगेशन विच आर एनफोर्स और रिकॉगनाइज बाय लॉ यही सेम बात कह रहा है ना ये ये भी तो ये डेफिनेशन भी सही हो गई तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया अब एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन बी सी डी को भी बी कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिविल ऑब्लिगेशन ये जरूरी नहीं है खाली सिविल ही हो कुछ भी हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट इज अ ट्रांजेक्शन सपोर्टेड बाई लीगल इंटेंशन ये भी गलत देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएशन एनफोर्सेबल नेगोशिएशन कहा जरूरी लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट इज बंडल ऑफ ऑफेंटरी राइट ये भी बिल्कुल गलत बात है तो सी भी गलत और डी तो वैसे गलत तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए ठीक है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर एटीन की वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला इसने बेसिक प्रिंसिपल पूछा है किसका कॉमन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन वाइज देखते हैं क्या लिखा हुआ है दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर फ्री टू डिटरमाइन फॉर देमसेल्फ दे विल एक्सेप्ट यह बात बिल्कुल सही है मान लो अगर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब इन दोनों के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी ये दोनों अपने आप में तय कर सकते हैं कोई इनको बाउंड नहीं करेगा लेकिन हाँ जैसे इन्होंने आपस में तय कर लिया तो इनको उसके दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा तो यहां पर आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए एक बार हम देख लेते हैं अगला भी दैट द पार्टीज कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन कंपल्शन नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया दैट द पार्टीज कैन डिसाइड फॉर देमसेल्फ व्हाट रिलीफ दे कैन गिव टू दर किसी और से मतलब क्या है भैया जब उनको नुकसान होगा तो उसी के लिए काम करेंगे तो ये भी गलत हो गया तो यहां पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर अगर हम नाइनटीन की बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगूट एन ऑफर कौन सी एक्टिविटी इन दो इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑफर कही जाएगी एक ऑफर कहलाई जाएगी देखते हैं डिस्प्ले ऑफ अ प्राइस टैग इन सेल्फ सर्विस शॉप क्या यह ऑफर होगा सर बिल्कुल नहीं होगा यह क्या होगा इनविटेशन टू ऑफर होगा इनविटेशन टू ऑफर होगा तो हमारा यह आंसर हो गया गलत ऑप्शन बी पढ़ते हैं एडवरटाइजमेंट अनाउंसिंग अ रिवार्ड फॉर पांच हजार टू एनी पर्सन हु फाइंड दिसिंग डॉग ऑफ अडवरटाइजर ये होगा क्यों होगा क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है कि अगर आप मेरा कुत्ता ढूंढ के लाओगे तब मैं आपको पांच हजार रुपया दूंगा तो ये हो गया ऑफर एक बार हम ऑप्शन सी भी देख लेते हैं वेन अ मैन एडवरटाइज डेट ही हैजॉक ऑफ बुक्स टू सेल एट अ फ्लैट रेट ऑफ सौ रुपए तो ये भी क्या हो गया ये भी हो गया इन्विटेशन टू ऑफर अब इसके एड को पढ़ करके लोग आएंगे ना वो उसको ऑफर देंगे भैया हम तेरी बुक खरीदना चाहते हैं लेकिन इसने तो कोई ऑफर नहीं दिया तो ये भी क्या हो गया इन्विटेशन टू ऑफर हो गया अब ऑप्शन डी एन ऑक्शनरी अनाउंसमेंट दैट स्पेसिफाइड गुड विल बी सोल्ड बाय ऑक्शन ऑन सर्टेन डे तो ये भी क्या हो गया हमारा इनविटेशन टू ऑफर हो गया बोल दिया ना कि भैया इस दिन में यह नीलामी होगी अब जो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो आ जाओ अब उसको बेचेगा नहीं बेचेगा वो इसका अपना मकसद है यहां तक की बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन सेक्शन टू बी सेक्शन टू बी में क्या स्पेसिफिकली मेंशन है तो पहले अपना रफ आइडिया लेते हैं सेक्शन टू बी में क्या दे रखा है प्रॉमिस देखते हैं प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस जब एक प्रॉमिस जब एक प्रपोजल या ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो बनता प्रॉमिस तो ये बात बिल्कुल सही है एक बार ऑप्शन बी सी डी और देख लेते हैं प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम कॉन्ट्रैक्ट कहां से हो गया सर क्योंकि हमने क्या पढ़ा था एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी होता है कॉन्ट्रैक्ट यहां तक की बात क्लियर है तो ऑप्शन बी गलत ऑप्शन सी भी देख लेते हैं प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम एग्रीमेंट सर कहां से हो गया क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अगर इसमें कंसीडरेशन जुड़ जाए किसमें प्रॉमिस में तब बनता है वो एग्रीमेंट अब ऑप्शन डी प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम एश्योरेंस ये सर ये वर्ड तो हमने कहीं देखा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ये तो वैसे ही गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन यहां पे हो गया सही आंसर ऑप्शन ए ठीक है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन केस ऑफ जनरल ऑफर जनरल ऑफर के केस के अंदर फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए किसी भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जनरल ऑफर के अंदर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी वो हम ऑप्शन में देखते हैं एक्सेप्टर नीड नॉट टू हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर भैया अगर एक्सेप्टर को मालूम ही नहीं होगा कि कोई ऑफर आ रखा है तो वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमने क्या कहा था दोनों के नॉलेज में होना चाहिए तो ये आंसर तो वैसे गलत ऑप्शन बी देखते हैं इसका द एक्सेप्टर मस्ट है नॉलेज किसकी ऑफ द ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मतलब अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया है तो उससे पहले उसके पास जानकारी होनी चाहिए इसके लिए हमने एक केस देखना है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस ये केस आप देख लेना अभी हालांकि क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको और बता दूंगा लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको ये केस का नाम याद रखना है तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो गया अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है सेक्शन टू एच के अंदर तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया अब एक बार टू ए को देख लेते हैं तो ये क्या बात करता है ऑफर प्रपोजल के बारे में अब इसके अंदर भी ऑफर हम कहा बोलते हैं इंग्लिश लॉ के अंदर और प्रपोजल हम कहा बोलते हैं इंडिया के अंदर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है टू बी प्रोमिस टू डी कंसिडरेशन ये बात याद रहेगी लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा टू एच आगे बढ़ते हैं अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की ट्वेंटी थ्री कहता है कि कंसिडरेशन का मतलब होता क्या है कंसिडरेशन मीन्स वॉट क्या मस्ट हैव सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ हाँ जी बिल्कुल सही बात है ऑप्शन बी मस्ट बी रियल हाँ जी बिल्कुल सही बात है मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी हाँ जी ये भी सही है तो हमारा आंसर होगा ऑल आर करेक्ट मतलब रियल भी होना चाहिए प्लस सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ भी होनी चाहिए प्लस इल्यूजनी भी नहीं होना चाहिए तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन नंबर डी और इसका अगर हम सेक्शन की बात करेंगे तो ये होगा टू डी और लैटिन टर्म की क्विड प्रो क्यूओ और इसकी ये किसका मतलब है ये मतलब है समथिंग इन रिटर्न आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अब पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इन विच लॉ इंग्लैंड लॉ में बिल्कुल नहीं इंडिया में हाँ जी बिल्कुल क्योंकि इंडिया में हम क्या बोलते हैं पास्ट भी है प्रेजेंट भी है और फ्यूचर तो है ही है तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज एंड नॉट ऑफ द अदर्स और अदर्स अंडर सेक्शन टू आई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब अगर जैसे ही हमने देखा कि सेक्शन इसने कौन सा पूछा है टू आई पूछा है अब टू आई देखते ही हमारे दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए कि भाई साहब ये तो क्या पूछ रहा है वॉल्डेबल कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है वॉल्डेबल कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है अब वॉल्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि जो पार्टी सफरर है सिर्फ उसी की ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट या तो क्या होगा वैलिड होगा या होगा होगा, और इन दोनों की जो बीच की स्थिति होती है वो होता है voidable कॉन्ट्रैक्ट अब हम देखते हैं क्या ये वैलिड होगा सर ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वैलिड हमें कहा दे रखा है टू एच के अंदर इलीगल होगा नहीं Void होगा नहीं तो ये कौन सा होगा ये होगा voidable कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमें कहा गिवन है सेक्शन टू आई के अंदर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कहता है हमारा विच जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ क्वींस बेंच ऑफ इंग्लैंड हैज डील्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर अब जनरल ऑफर की जहां भी बात आ जाए आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए किसकी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स मोकबोल कंपनी की क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी इसकी पूरे फैक्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं या इस क्लास के बाद देख सकते हैं अब जैसे कार्बोल आपके दिमाग में आ जाए तो आप जनरल ऑफ याद रखना और इसको हेल्ड किसने किया था वो किया था क्वींस बेंच ने यह भी आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है अगर हम बात करें वेल्फेयर वेलफेयर की तो ये था लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में और इन दोनों के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा तो हमारे इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वट इज द टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब सिचुएशन वेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर जब दो पार्टी ने एक दूसरे को सेम ऑफर दे दिए हो, तो वो कौन सी कंडीशन मानी जाएगी क्या वो ऑफर माना जाएगा नहीं सर क्या वो क्रॉस ऑफर माना जाएगा हाँ इसको अगर हमें समझना है तो हम ऐसे समझ लेंगे ए और बी हालांकि मैंने आपको ये अपने पहले लेक्चर में बता रखा है लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ अब अगर हम इसमें देखेंगे तो ए के पास एक गाड़ी थी जो कि वो एक लाख में बेचना चाह रहा था अब ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तेरे को अपनी गाड़ी एक लाख में बेचना चाहता हूँ अब इसके पास ऑफर पहुंचने से पहले बी ने ए को बोल दिया कि मैं तेरी गाड़ी एक लाख में खरीदना चाहता हूं अब यहाँ पर दोनों ने हालांकि ऑफर सेम है लेकिन जब बी ने दिया तो ए का ऑफर वही कैंसिल हो गया तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफर ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर इसने इसकी अमाउंट कम कर दी होती या कुछ और मांगा होता तब ये काउंटर होता लेकिन यहां पर ये ऑप्शन सी गलत है तो ट्वेंटी सेवन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी क्रॉस ऑफर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फॉर द रूल ऑफ डॉक्टरिंग ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जर टू अंट्रैक्ट कैन नॉट स यू मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसका एक्सेप्शन है तो वो हमारा क्या होगा फैमिली सेटलमेंट के मैटर्स के अंदर क्या होगा डॉक्टर ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ तक की बात समझ में आई तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अगर हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट इन विच पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन श्यू ईच अदर मैंने आपको ऊपर लिखवाया भी था कि ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन श्यू ईच अदर और बाय कैन बी बाय ईच अदर तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो गया ए तो इसका भी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंग्रीडियंट विच इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट अब एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए पहली चीज प्रपोजल चाहिए क्या बिल्कुल चाहिए प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं ऑफर बोलते हैं क्योंकि भैया जब प्रपोजल ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हम कैसे करेंगे कर करें ही नहीं सकते अब हम देखते हैं प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस चाहिए क्या बिल्कुल चाहिए सर क्योंकि सर जब प्रपोजल एक्सेप्ट होगा जब प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तब वो क्या बन जाएगा तब वो बन जाएगा प्रॉमिस। चाहिए क्या हाँ जब कंसीडरेशन आएगी तब ये बन जाएगा एग्रीमेंट प्रॉपर्टी चाहिए क्या सर हमने कहीं पढ़ाई नहीं प्रॉपर्टी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो इसके अंदर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इसने पूछा क्या है कौन सा एलिमेंट नहीं है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या पूछा है, कौन सा एलिमेंट नहीं है तो भैया प्रपोजल होता है ऑफर होता है एक्सेप्टेंस होता है कंसिड्रेशन होती है लेकिन, लेकिन क्या नहीं होता इसके अंदर क्या नहीं होता इसके अंदर क्या नहीं होगा इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होगी यहां तक की बात क्लियर है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अब अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रियम्बल की अब ये तो आपको ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा एज इट इज लेकिन फिर भी मैं आपको बताता दू प्रियम्बल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है तो क्या कहता है प्रियम्बल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट डिफाइन और अमेंड किसको सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ और रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमें क्या बात रखनी है डिफाइन याद रखनी है और क्या याद रखनी है अमेंड याद रखना है किसको सर्टेन पार्ट को ये तीन चीज आपको याद रखनी है इसके लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू को अब अगर हम बात करें सेक्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की तो क्या बोला है सेक्शन टू डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वेन एड द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर प्रोमिसर की इच्छा पर द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन उसने क्या किया हो भूतकाल में कोई काम किया डन एपस्टेन फ्रॉम डूइंग मतलब ये किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है पास्ट की बहुत अच्छी बात है डज और एब फ्रॉम डूइंग ये किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है प्रेजेंट की और प्रोमिस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग ये बात किसी कर रहा है भैया ये बात कर रहा है फ्यूचर की तो यहां पर तीनों चीजें आ गई हैं समथिंग सच एक्ट और एब और कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर अ प्रोमिस अब इसके अंदर यह पूछा गया है भैया जो बीच वाला ब्लैंक है ये क्या है अब ये बीच वाला ब्लैंक सिर्फ वही बच्चा भर सकता है जिसने डेफिनेशन को पूरी ईमानदारी से पढ़ा हो और इस वाले बॉक्स में क्या आएगा सच एक्ट और और प्रोमिस आएगा क्योंकि डेफिनेशन में हमें क्या क्या गिवन है प्रोमिस गिवन है तो हम इसमें क्या लिखेंगे प्रॉमिस लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा प्रॉमिस होगा तो ऑप्शन सी सही है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अब भैया क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में पूछा गया है का मतलब क्या होता है का मतलब क्या होता है? अब पास कहां पर है इंडिया के अंदर इंग्लैंड में नहीं है अगर हम देखें इसके अंदर क्या लिखा है मनी रिसीव इन पास्ट विदाउट मेकिंग इवन अ प्रपोजल भैया बिना किसी काम के पैसा मिल गया तो हम कैसे मान रहे है तो ये तो ये गलत प्राइस इज मोर देन द मारने ये भी बिल्कुल गलत क्योंकि हमें तो यहाँ पे मालूम नहीं पड़ रहा कि इसने काम क्या किया था द प्राइस पेड और सर्विस रेंडेड एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट प्रोमिस हा यहां पर हमने क्या देखी डिजायर आई प्रोमिसर की बिल्कुल आई काम हुआ बिल्कुल हुआ उसके बदले में पैसा मिला तो ऑप्शन सी यहां पे सही है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कहता है एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन क्या क्या है मैंने आपको ऊपर एक एक्सेप्शन बताई थी फैमिली सेटलमेंट की अब इसके अंदर एक और हमें देखनी है कौन सी होगी देखते हैं एक्सेप्शन टू द डॉक्टर ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड मैंने आपको बताया था पहले वाले के अंदर फैमिली सेटलमेंट बताया था अब हम देखते हैं इसमें पूछा है कौन सी इंक्लूड नहीं होगी तो हम देखते हैं कि कौन सी इंक्लूड होगी तो पहली फैमिली सेटलमेंट तो थी और ये भी इंक्लूड है contract, include, लिख देते हैं इसको स्टॉपर भी इंक्लूड होगा मैरिज सेटलमेंट भी इंक्लूड होगा लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा क्विटेबल मोर्डेज इंक्लूड नहीं होगा तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर की डिस्प्ले इन इन द द आर्टिकल शोरूम विद प्राइस अमाउंट टू डिस्प्ले ऑफ अ आर्टिकल इन अ शोरूम विद प्राइस अमाउंट टू क्या होगा ऑफर होगा सर बिल्कुल नहीं होगा इन्विटेशन टू ऑफर होगा आंसर सर वो होगा तो ऑप्शन ए गलत ये गलत इन्विटेशन टू ऑफर होगा क्यों होगा क्योंकि जो कस्टमर है वो आर्टिकल लेके दुकान वाले के पास जाएगा कि सर मैं आपका ये सामान खरीदना चाहता हूँ अब ये किसकी मर्जी पर डिपेंड है सामान बेचना दुकानदार की तो ऑफर कौन दे रहा है ऑफर दे रहा है कस्टमर और ये दुकानदार क्या दे रहा है दुकानदार दे रहा है इन्विटेशन टू ऑफर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स की अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम रिपीट है ये ये एग्रीमेंट है ये अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंस्टिट्यूशन फॉर इच अदर क्या था

अब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और प्रीविटी में कंफ्यूजन मत ले लेना बिल्कुल भी का मतलब क्या हो गया? अगर हम बात करेंगे की ए देखते हैं विद प्रायर परमिशन फॉर द स्टेट यहां तक की बात तो समझ में आती है यहां तक की बात तो समझ में आती है अगर यहां लिखा होता तो यह सही होता लेकिन क्या बोला विद द प्रायर परमिशन अब भैया परमिशन से मतलब थोड़ी है हमें तो कंसीडरेशन चाहिए तो ये ऑप्शन ए गलत ऑप्शन बी कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट द प्रॉमिसि ये वैसे ही गलत हो गया क्योंकि लिखा हुआ था व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर अ प्रॉमिसि और एनी अदर पर्सन तो यहां पर इसको जब इसको हटा दिया तो ये ऑप्शन में गलत हो गया ऑप्शन सी कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसि और एनी अदर पर्सन तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि डेफिनेशन में क्या हो था क्योंकि हो या एनी अदर पर्सन हो तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम प्रोमिस इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच आव द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है पढ़ते हैं के को पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन भैया अगर लिखा होता ना इन इंग्लैंड तब ये सही होता लेकिन यहाँ पे तो खाली ये ही बोलते हो हम तो इंडिया के कंट्रेस्ट मानेंगे तो ये गलत है कंसिडरेशन कैन भी पास प्रेजेंट फ्यूचर हाँ जी ये है क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं कंसिडरेशन कैन ओनली प्रेजेंट ये बिल्कुल गलत फ्यूचर ये गलत तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर फोर्टी टू प्रपोजल एज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू ए प्रपोजल हमें कहाँ गिवन है टू ए के अंदर गिवन है क्या लिखा है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर भैया कम्युनिकेशन थोड़ी थी वो तो विलिंगनेस थी देखते हैं सजेशन बाय वन पर्सन टू अनादर विलिंगनेस की बात करो भैया विलिंगनेस टू डू समथिंग खाली समथिंग कोई काम करने के लिए भी और कोई काम ना करने के लिए भी हो सकता था डू और नॉट टू डू की बात थी तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन डी विलिंगनेस टू डू और एस्टेन्स फ्रॉम डूइंग एन एक्ट इन ऑर्डर टू ऑप्टेन एसेंट ऑफ द अदर टू तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी क्योंकि हमें देखना है कि जो, डेफिनेशन में दे रखी है चीज हमें उसी के ऊपर फोकस करना अपना दिमाग नहीं लगाना तो हमारा हो गया यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट यहां पे एग्रीमेंट था विच इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि देखते हैं एनफोर्सेबल विद द परमिशन ऑफ अ कोर्ट गलत एनफोर्सेबल बाय द पार्टी लेर टू गलत एनफोर्सेबल बाय द लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ दर टू एंड नॉट एट द ऑप्शन ये चीज ही डेफिनेशन में लिखी हुई है और हमें इसी के ऊपर ही फोकस करना है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर इन चारों में से कौन सी चीज ऑफर है ऑप्शन बी बैंकर कॉटलॉग ऑफर चार्जेस ये बैंक कॉटलाटेशन टू ऑफर है मेन्यू कार्ड एट रेस्टोरेंट इन्विटेशन टू ऑफर है ऑल ऑफ द द अब आएगा नहीं तो क्या होगा बिड एट ऑक्शन सेल जैसे ही हथौड़ा पड़ा क्या बन गया बाइंडिंग ऑफर बन गया तो हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैजिन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डेफिनेशन पार्ट है, ऑप्शन हमारा हो गया बी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जनरल ऑफर ओपन फॉर द वर्ल्ड एट अ लार्ज। जनरल ऑफर ओपन फॉर वर्ल्ड एट अ लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड बाय। जो एक जनरल ऑफर होगा उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं बाय सेंडिंग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जी बाई कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ ऑफर अब अगर आपको कार्लिल वाला केस याद होगा तो उस महिला ने क्या किया था उस महिला ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के दवाई ली थी और उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग दवाई ली थी तो उसने क्या किया था उस कंडीशन पे कंप्लाई किया था तो यहाँ पे हुआ हमारा आंसर ऑप्शन बी यहाँ तक की बात क्लियर है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अंसिडरेशन ये पूछा नॉट पूछा है क्वेश्चन ध्यान से देखना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर कंसिडरेशन कंसिडरेशन के लिए कौन सी वस्तु नहीं चाहिए तो देख लेते हैं इट मस्ट बी गिवन अदर डि प्रोमिस हाँ जी बिल्कुल वैल्युएबल होगी समथिंग इन आई ऑफ लॉ होगी लॉफुल होगी लेकिन एडिकुएट नहीं हो सकती कैसे अगर मैं चाहूं तो मैं अपने किसी नॉन पर्सन को अपना वन सीआर का बंगलो वन लैख में भी दे सकता हूं वो मेरी फ्री कंसेंट पे अगर मैं चाहूं तो अपना वन सीआर का बंगलो वन लैख में भी दे सकता हूं तो यहां पर एडुकेट होना जरूरी नहीं है और उसने पूछा भी क्या है नॉट पूछा है तो यहां पर क्या होगा ऑप्शन डी

यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदल्ला तथैया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदल्ला तथैया ये कौन सी इले है किसके लिए है ये है स्टैंडिंग ऑफर के लिए ये आपको याद रखना है स्टैंडिंग ऑफर का अगर कोई केस पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा यहां तक की बात क्लियर है जनरल ऑफर की हमने बात करी ली थी कार्लिक वर्सेज कार्बोलिक की बात की थी हमने तो हमारा यहां पे होगा आंसर बी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वन वन बाय पढ़ते हैं एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज भैया एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन एनफोर्सिबिलिटी का है तो ये ऑप्शन गलत हो गया प्रॉमिस टू डू समथिंग ना एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ना एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कहाँ की है टू एच में तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज टू कंसिडरेशन नॉट करेक्ट कंसिडरेशन के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट क्या है गलत है सही नहीं है इट मे बी पास ऑल्सो इंडिया की बात कर रहे हैं हो सकता है नीड नॉट टू बी एडिक्वेट हो सकता है स्ट्रेंजर टू इट कैन नॉट स्यू ये गलत है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था स्ट्रेंजर टू अंसिडरेशन कैन ऑल्सो सू लेकिन स्ट्रेंजर टू अक्ट कैन नॉट सू तो यहां पर मत लेना यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिफ्टी फोर अ प्रपोजल वैन एक्सेप्ट इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कंसिड्रेशन में भी कैसे भी हो सकता है पास प्रेजेंट फ्यूचर क्योंकि हम बात करेंगे इंडिया की इंग्लैंड की बात करते तो क्या होता पास्ट नहीं होता अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर इच अदर बार बार क्वेश्चन आ गया है टू ई एग्रीमेंट ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन प्रपोजल मैन एक्सेप्टेड बिकम प्रोमिस ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस केस रिलेटेड टू जनरल ऑफर जनरल ऑफर से जुड़ा हुआ कौन सा फेमस केस है अब मैंने आपको कम से कम तीन चार बार बता दिया है आपका आंसर अच्छा सही होना चाहिए कि हमारा इसमें होगा कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहरी बीबी की अगर हम बात करेंगे तो ये था माइनर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लालमच सुखना की बात करेंगे तो हम इसकी बात ही एक्सेप्टेंस के बारे में ये केस भी जब जब हम आगे क्वेश्चन में पहुंचेंगे तब तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन द फॉलोइंग रूल एज टू कंसिडरेशन इज ट्रू कंसिडरेशन से जुड़ा हुआ कौन सा रूल सही है इट मस्ट बी एडिक्वेट एडिक्वेट होना चाहिए क्या एडिक्वेट जरूरी नहीं है हमने ऊपर पढ़ के आए हैं बात मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर था स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज एनेक्टेड इन अठारह सो बहत्तर में हुआ था इसकी एनफोर्समेंट हुई थी एक सेप्टेम्बर अठारह सो बहत्तर को और ये एक्ट नंबर क्या है ये एक्ट नंबर नाइन है यहां तक की बात याद रहेगी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन की ए कॉल्स अप एंड आस्क विल यू सेल मी योर हाउस ए ने बी को कॉल किया और बोला कि भैया क्या तू मेरे को अपना मकान बेचेगा और अगर बेचेगा या फिर क्या तू मेरे को अपना मकान बेचेगा क्वेश्चन मार्क कर दिया और बोला मेरे को अपने मकान की लोवेस्ट कीमत भेज एस एम एस मी द लोवेस्ट कैश प्राइस अब बी ने क्या किया इसके पहले वाले जवाब का तो आंसर दिया नहीं कि बेचूंगा नहीं बेचूंगा हाँ बी ने क्या बोला बी रिप्लाई बाय कैश प्राइस फॉर माई हाउस इज करोड़ करोड़ बी ने बोला कि, कम से कम से मैं लूंगा लेकिन बेचूंगा नहीं बेचूंगा उसके बाद बी ने नहीं करी अब क्या हुआ ए ने हाथों हाथ बोला कि हाँ मैं मैं एक करोड़ में तेरा मकान खरीदने को तैयार हूँ ए इमीडिएटली सेंड अनदर एस एम एस टू बी स्टेटिंग आई एग्री टू बाय योर हाउस फॉर रुपीज वन करोड़ एस आस्क बाय यू अब यहाँ पर बी ने क्या किया था बेचने का तो प्रॉमिस किया नहीं सिर्फ लोवेस्ट प्राइस बताया तो अब क्या यहाँ पे बी बाउंड हो गया बी बाउंड नहीं होगा तो अब बी ने क्या किया बी नॉट रिस्पॉन्ड सब्सिक्वेंटली सोल्ड द हाउस टू सी अब लेकिन वो बी ने वो मकान ए की जगह सी को बेच दिया अब क्या यहाँ पर ए बी के ऊपर केस कर सकता है नहीं कर सकता क्यों क्योंकि भैया एक्सेप्ट कहा किया था बी ने उसका ऑफर नहीं किया था उसने सिर्फ क्या बताया था लोवेस्ट प्राइस बताया था एक्सेप्ट तो किया ही नहीं तो यहां पर क्या ये ऑफर होगा ये ऑफर नहीं होगा क्या ये एक्सेप्टेंस होगी नहीं अब जब ऑफर ही नहीं मिला तो एक्सेप्टेंस का आएगी क्या ये इनविटेशन टू रिसीव ऑफर को हाँ अब यहां पर बी के ऊपर था कि उसको एक्सेप्ट करें ना करें बी ने नहीं किया तो यहां पर ये हो गया ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर बात करें, बिटवीन ऑफर एंड इन टू स्टेटमेंट विद स्कोप ऑफ फर्दर नेगोसिएशन तो यहाँ पर हुआ हमारा आंसर ए क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए पहला एक बार हम देखते हैं ऑप्शन बी भी देख लेते हैं ऑफर स्टेटमेंट एंड एन इन्विटेशन टू रिफर इज प्रिंटेड ऑफर ऑन ये बात गलत है ऑप्शन नंबर सी एन ऑफर वन एक्सेप्ट वेयर एज इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर कैन ओनली लीड टू बेकिंग एन ऑफर शॉपकीपर के पास कस्टमर गया ऑफर दिया एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो उसकी मर्जी है तो ये ऑप्शन भी सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा ए एंड सी अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री की क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री में क्या रखा है द जुरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ भैया जुरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे तो उसकी शुरुआत की शुरुआत कहाँ से होती है पहले ऑफर आएगा फिर वो एक्सेप्ट होगा तो ये हमारे कहाँ दे रखे हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्योंकि जब तक ऑफर नहीं आएगा ऑफर को हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने की पहली सीढ़ी जब ऑफर ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इस बात का तो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री का ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर दो मिनट का ब्रेक लेते हैं उसके बाद सिक्सटी फोर से हम कंटिन्यू करेंगे Thank you Thank <laughs> you. तो शुरू करते हैं हमारा से, सेशन दोबारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर क्या कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर कहता है हमारा अकॉर्डिंग टू जस्टिन पैटरसन कंसीडरेशन मे बी बेनिफिट टू प्लेंटिफ और सम डेट्रीमेंट टू द डेफिनेट मतलब प्लेटिव के लिए तो क्या है बेनिफिट है और डिफेंडेंट के लिए क्या है डेटरीमेंट है ये बात किसने कही है जस्टिस पैटरसन ने ये हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है क्या ये स्टेटमेंट सही है हाँ जी ये तो सही है इसको हम लिख हैं ट्रू अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू डी द डेफिनेशन ऑफ अंसिडेशन रिक्वायर दैट द एक्ट और एफरेंस शुड बी डन बाय प्रोमिसी ओनली ना क्यों पहली चीज है एट द डिज प्रोमिस और प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन की बात थी तो यहां पर अगर लिखा होगा ना एनी अदर पर्सन तब तो ये सही होता लेकिन यहां पर लिखा सिर्फ प्रॉमिस ही तो ये हो गया गलत तो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए सही है तो यहां पर क्या है ऑप्शन ए सही है आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव क्या कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ शॉपकीपर कैटलॉग ऑफ अ प्राइस ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर यह क्या हो गया यह हो गया इन्विटेशन टू ऑफर तो ये बात तो बिल्कुल सही है अगला ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शनरी अनाउंसमेंट डेट स्पेसिफाइड गुड विल बी सोल्ड बाई ऑप्शन ऑन सर्टन डे इज नॉट ऑफर to होल्ड द सर्टेन ऑफर auction क्या बोला है ऑक्शनियर के अनाउंसमेंट है कि सर्टेन डे पर सर्टेन गुड्स बेचे जाएंगे उसकी ऑक्शन के लिए किया है तो ये भी एक ऑफर नहीं है ये भी क्या है ये भी इनविटेशन टू ऑफर है तो हमारा ये दोनों सही है तो इसमें पूछा भी क्या गया है बिच मैन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन सी यहां तक की बात क्लियर है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स के अंदर क्या बोला गया है <coughs> ए प्रोमिस ने अपनी बेटी को अपनी गिफ्ट की इस की, वो अपने मामा का ध्यान रखेगी लेकिन ए ने क्या किया उस बेटी ने क्या किया प्रॉपर्टी आते ही अपने मामा का ध्यान रखने से मना कर दिया अब यहाँ पर क्या होगा क्या वो हो उसका मामा उस लड़की को एनफोर्स कर सकता है बाउंड कर सकता है कि आप मेरी देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे तो इसके अंदर हमें ऑप्शन देखने है, क्या क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैटरनल अंकल देख लेते हैं एक एक करके मैटरनल अंकल विल नॉट सक्सीड एज ही स्ट्रेंजर टू अ अ कैन नॉट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था होगी वो प्रोमिसी प्रामिस भी दे, दे सकता है और एनी अदर पर्सन के थ्रू भी हो सकती है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन अगर हम सिक्सटी सेवन की बात करें ये रिपीट क्वेश्चन है इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऊपर से पढ़ लेते हैं वॉट कैन कैटलॉग ऑफ अ बुक लिस्टिंग प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक्स आर अवेलेबल द टर्म इन्विटेशन टू ऑफर ये कोई ऑफर नहीं होगा ये इन्विटेशन टू ऑफर होगा तो क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट ए विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ एनी बडी तो यहां पर प्रोमिसर की डिजायर तो खत्म हो गई प्रोमिसर की डिजायर तो खत्म एस्टिंग मर्जी के उसके गोदाम में आग लगाने से बचा लिया उसकी आग बुझा दी अब ए को उसमें चोट लगी ए सफर इंजरी देर बाय बी प्रोमिस टू कम्पनसेट अगर बी ने कभी प्रोमिस किया होता कि मैं तेरे जो तो चोट लगी उसके लिए कम्पनसेट करूंगा फॉर द होल स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगर और वो एनफोर्सेबल कब होता जब उस पार्टी ने बोला होता कि भाई तेरे को जो भी इस आग की वजह से लॉस हुआ है जो भी तेरे को चोट लगी उसकी भरपाई मैं करूँगा तब होता तो हमारा यहाँ पे होगा आंसर डी एनफोर्सेबल हो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन टेंडर इनपर इज इन्विटेशन टू ऑफर क्वेश्चन नंबर क्या होगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सेवनटी का ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अमोंग द्री एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में कौन सा एलिमेंट नहीं है ऑफर चाहिए पहले स्टेप ही वही है एक्सेप्टेंस चाहिए ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आएगा कंसीडरेशन चाहिए कंसीडरेशन नहीं होगा तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा क्या डैमेजेस चाहिए डैमेजेस नहीं चाहिए तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए क्यों क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू एक्सेप्टेंस गिवन बाई ए द एक्सेप्टेंस गिवन बाई ए ऑन बीस इनविटेशन फॉर लंच नॉट अक्ट बिकॉज अब मैंने किसी को इन्वाइट किया है लंच पे फोन करके तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्यों नहीं बना क्योंकि भैया यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लीगेशन ही नहीं है ऐसे तो मैं किसी को बोल दू तो भाई हम आज मैकडे चलेंगे और मैं उस दिन नहीं आऊंगा तो क्या वो मेरे ऊपर केस कर देगा बिल्कुल नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि मेरी और उस सामने वाले पार्टी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं, नहीं बनी तो यहां पर भी ऑप्शन क्या होगा देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सेवन टू का आंसर होगा सी देखते सेवेंटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट Which, अब अगर आपने वेबल की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप इसको देख कर ही टिक मार देंगे देखते हैं और ये क्वेश्चन ऊपर आ भी रखा है तो इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसका आंसर होगा एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ पार्टीज दे ऑप्शन ऑफ अदर्स तो इसका होगा आंसर सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री का ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सेवन एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल ही नहीं है तो वो क्या है है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 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 का ऑप्शन ए क्वेश्चन सेवन चूज द करेक्ट आंसर एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वर्ड ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल ही नहीं है वो वर्ल्ड होगा हाँ जी बिल्कुल होगा तो ये हमारा होगा आंसर ए आगे देख लेते हैं अब हम देखते हैं हमने अभी कवर कर लिया है हमारा डेफिनेशन पार्ट सेक्शन वन से लेकर टू तक अब हम देखते हैं सेक्शन थ्री से लेकर सेक्शन नाइन तक का पार्ट अब इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स एंड ऑफर वॉज सेंट बाई पोस्ट द एक्सेप्टर रोड एक्सेप्टेड ऑन द लेटर पुट इट His brother and forgot about it. अब भैया आपने अपने दराज में रख लिया अब सामने वाले को, को सपना थोड़ी आ रहा है कि आपने एक्सेप्ट किया या नहीं किया तो भैया ये तो कुछ भी नहीं बनेगा तो ये हो गया नो एग्रीमेंट क्यों हो गया नो एग्रीमेंट एज द एक्सेप्टेंस वॉज नेवर कम्युनिकेटेड हाँ अगर आपने उसको फोन पे बोल दिया होता कि भैया हाँ मेरे को ये तेरा मंजूर है तब हो जाता या आपने लिख के उसको भेज दिया तो अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया साइन कर लिया और दराज में भूल गए अब वो सामने वाले को, को सपना तो आएगा नहीं में तो है नहीं वो तो वो ये कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसका हुआ आंसर डी अब इस ये जो आपका एग्जाम्पल है ये बेस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त से अब जो ये है ये एक फैक्ट इसी केस के हैं देख लेते क्या है एल इज सेंट टू सर्च फॉर जीज नेफ्यू जी उसका एक भतीजा था वो खो गया था उसने अपने नौकर एल को भेजा और जैसे ही एल बाहर निकला उसको ढूंढने निकला तो जी ने एक एडवर्टाइजमेंट कर दी क्या जी बाय एडवर्टाइजमेंट ऑफर अ रिवॉर्ड ऑफ फाइव हंड्रेड टू एनी हु फाइंड हिज नेफ्यू जी ने एडवर्टाइजमेंट कर दी कि कोई भी मेरे नेफियो को ढूंढ के लाएगा तो मैं उसको पांच सौ एक रुपए दूंगा लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में इसके नौकर एल को नहीं पता था लेकिन फिर भी एल ने उसको ढूंढ के जी के नैफियो को ढूंढ के जी को वापस कर दिया और जब वापस किया उसके बाद मालूम पड़ा कि जी ने कोई ऐसा ऑफर निकाला था अब बाद में जो उसका नौकर है जी के पास गया और बोला भाई मैं ढूंढ के लाया हूं तो वो इनाम के पैसे मेरे को मिलने चाहिए जी ने बोला भाई किस बात के पैसे तेरे को तो ऑफर का मालूम ही नहीं था अब नहीं दूंगा पैसे अब उसके नौकर ने जी पे केस कर दिया अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या जी एलिजिबल है यहां पर जी बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है क्यों क्योंकि उसने जब वो काम किया उससे पहले उसको उस ऑफर की जानकारी नहीं थी तो यहां पर जी एक रुपया भी नहीं देगा एल को देखते हैं सबसेक्वेंटली नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड क्लेम्स इट

अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट की क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट देखते हैं होती है. written, ना? फोन पे भी दे सकते हैं भगवान दास भगवान दास गिरधारी वाला केस आया था जिसमें फोन पे भी दी थी भगवान दास वाला केस तो हमारा होगा यहाँ पे आंसर बी ठीक है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर अगर हम सेवेंटी नाइन की बात करेंगे क्या कहता है द केस ऑफ मोहरी बीबी एंड धर्मोदास घोष क्या था इज डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एक्साइडेंट कॉन्ट्रैक्ट ना माइनर से जुड़ा हुआ था हैज लेट डाउन दैट इन इंडिया माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वर्ड एवन इशू हाँ माइनर से किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो शुरुआत से ही वॉइड होगा ये इसमें हैड हुआ था तो ये वाला ऑप्शन सही है थर्ड भी देख लेते हैं हैज लेट डाउन दैट माइनर कॉन्ट्रैक्ट बिकम वैलिड वैन ही अटेंड मेजोरिटी ना तो यहाँ पे होगा हमारा ओनली टू देखते हैं टू अलोन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर एटी क्वेश्चन अगर हम 80 की बात करें, कोई ऐसा प्रपोजल है जो पोस्ट के द्वारा किया गया और उसको हमें रिवोक करना हो तोड़ना हो तो हम कब तक तोड़ सकते हैं बिफोर द प्रोमिस पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे ही प्रोमिसी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करे उससे पहले पहले लेकिन जब इस प्रोमिसी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया तो उसके बाद वो रिवोक नहीं कर सकता कौन नहीं कर सकता प्रोमिसर रिवोक नहीं कर सकता तो इसका हो गया हमारा आंसर ए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी वन अगर हम एटी वन की बात करें एक्सेप्टेंस सेंट थ्रू पोस्ट कैन बी रि टाइम यह बात थोड़ी है कैन बी कैन नॉट बी रिवोक्ट एट ऑल ना कैन बी रिवोक्ट बिफोर इट कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर अब नॉलेज ऑफ द ऑफरर कब आएगी जब वो ऑफरी क्या कर देगा लेटर पोस्ट कर देगा इससे पहले पहले रिवोक हो गया तो ठीक वरना तो भूल जाओ आगे देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन द फॉलोइंग इज नॉट क्शन फोर सेक्शन फोर में क्या गिवन नहीं है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल गिवन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गिवन है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन गिवन है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ये हमें गिवन है फाइव के अंदर तो हमारा आंसर होगा डी तो क्योंकि इसने पूछा है क्या गिवन नहीं है तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर एटी थ्री ए रिवोक हिज प्रपोजल मेड बाय बी बाय टेलीग्राम तोड़ दिया अच्छी बात है अंडर सेक्शन फोर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट कौन प्रपोजल वेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच बाय ए जैसे ही उसने अपनी तरफ से उसको डिस्पैच कर दिया तो क्या होगा रिवोकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी किसकी तरफ से ए की तरफ से तो यहां पे होगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर एटी फोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्वेश्चन नंबर 84 इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीफोन इज कंक्लूडेड एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड जहां पर सुनी गई हो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात कर रहा है मैंने बताया था आपको कौन सा केस था भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल शॉर्ट फॉर्म भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल वाला केस तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर एटी फाइव क्या कहता है एटी फाइव में केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट एट व्हाट पॉइंट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर प्रपोजर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगी व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स एक्सेप्टे क्वेश्चन रिपीट है इसको हम नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर एटी सेवन एटी सेवन क्या कहता है ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी सर्टन प्राइस पर द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज accepted इज कम्प्लीटेड वेन कब हो जाएगी कंप्लीट ए पोस्ट द लेटर गलत ए हैज कंप्लीटेड द राइटिंग ऑफ लेटर गलत बी हैज इन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्टिंग ऑफ लेटर गलत बी रिसीव द लेटर जैसे ही बी को मिलेगा तब complete हो जाएगी तो ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर एटी एट

क्वेश्चन नंबर अगर हम एटी की बात करें एक्स ड्यूली पोस्ट अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू वाई बट द लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांसिट बाय नेग्लिजेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस अब अगर पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो लेटर खो दिया जाता है और वो सामने वाली पार्टी को नहीं मिल पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है, है कम्युनिकेशन लैप्स हो गई नहीं अगर उसने सामने वाली पार्टी ने डाल दिया है और अगर वो लेटर खो भी गया है तो भी वो लैप्स नहीं होगा तो क्या होगा द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड बिकॉज द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट जैसे ही उसने लेटर पोस्ट कर दिया तो एक्सेप्टेंस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच नॉट स्टैंडिंग एनी डिले और मिस कैरेज इन इट्स अराइवल फ्रॉम द कॉज नॉट विद द एक्सेप्टर कंट्रोल अगर पोस्ट ऑफिस के द्वारा खो भी दिया जाता है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है कम्युनिकेशन कंप्लीट मान ली जाएगी क्वेश्चन नंबर नाइनटी ए बाय लेटर टू सेल हाउस टू बी ये ये भी आ रखा है क्वेश्चन रिपीट है इसका आंसर बी होगा इसको हम बार बार नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। वन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के लिए कौन सा केस लीडिंग केस है लालमन शुक्ला वाला मैंने आपको अभी बताया था ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 92 टू इन केस ऑफ ऑफ़ ऑफ़ कोर्ट्स द इंसिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शेल बी गवर्न जहां पर जुरुडिक्शन ऑफ कोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो जहां पर यह मालूम ना पड़ रहा हो कि कौन सी कोर्ट का जुरुडिक्शन लगाया जाएगा तो उस केस के अंदर हम क्या देखेंगे उस केस के अंदर हम क्या देखेंगे कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कहां बना है उस एरिए के जुरिडिक्शन में वो केस लगेगा तो ऑप्शन नंबर ए वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज सोन एज क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री The acceptance is completed as soon as the letter of acceptance is posted, whether it reaches the offerer or not. Which one of the following with regard the above statement is correct? क्या बोला है? Acceptance of a contract complete कर दी जाएगी भले ही उसके पास वो letter पहुंचा हो या ना पहुंचा हो। Post office वाला अभी हमने example देखा था। और ये बात हमें कहाँ देखी गई है ये हमें इंडियन लॉ के अंदर बोली गई है कि अगर पोस्ट ऑफिस या किसी भी कैरेज में लेटर किसी की गलती से लॉस्ट हो जाता है तो भी उसमें घबराने वाली बात नहीं है कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस तो कंप्लीट मान ली जाएगी तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा वेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल और यह हमें कहाँ गिवन है सेक्शन फोर में गिवन है ये आप वहां जाके पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव वेन द एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द टेलीफोन जब कोई एक्सेप्टेंस कैसे की जा रही हो टेलीफोन से वेन द एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द टेलीफोन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम टू बी मेड बाई सच प्लेस जहाँ पर वो एक्सेप्टेंस सुनी गई हो या रिसीव की गई हो वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड और एक्सेव्ड तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए जहां पर एक्सेप्टेंस केवन है नहीं जहां पर एक्सेप्ट रहता है नहीं तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन ए नाइनटी फाइव का ए क्वेश्चन नंबर नाइंटी सिक्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नाइंटी सिक्स की द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल इज कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल कब कंप्लीट होगा यह क्वेश्चन बार बार रिपीट है मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आंसर बताता हूँ वेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इज मेड पर्सन टू होम का मतलब क्या हो गया प्रोमिसी यहां तक की बात रहेगी तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन और इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको कॉन्टैक्ट एक्ट के अंदर डिटेल बता रखा है आप प्लेलिस्ट में जाकर के ये टॉपिक ढूंढ करके उसको आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजल के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मान ली जाएगी व्हेन इट पुट इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो फार इट टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर जैसे ही एक्सेप्टर ने अपनी तरफ से लेटर को पोस्ट कर दिया हो और उसकी रीच से वो दूर हो गया हो वैसे ही मान ली जाएगी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट की तो क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगी देख लेते हैं कब होगी वेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर गलत वेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर और ये हमें बात कहां दे रखी है सेक्शन फोर के अंदर क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट गलत है सही है मतलब द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्पलीट एज अगेंस्ट द द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गलत पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस राइटिंग से मतलब नहीं है उसकी रीड से दूर हो जाना चाहिए उसकी पावर से दूर हो जाना चाहिए तब वो माने जाएगी कि, कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है तो यहां पे होगा हमारा आंसर बी क्वेश्चन नंबर सौ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सौ की इन भगवान दास गोवर्धन दास गिरधारी वर्सेस गिरधारी पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी इट वॉज लेड डाउन दैथ सेक्शन फोर डज नॉट एम्प्लाई दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कुआ द प्रपोजल एट वन प्लेस एंड द एक्सेड एटर प्लेस क्या ये बात सही है हाँ जी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर बात क्या की गई थी यहाँ से बात बोली गई और यहाँ पर सुनी गई है तो ये बात सही है क्वेश्चन नंबर सौ का पार्ट टू देख लेते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी फ्रॉम द पर्सन हुज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन इज इन इफेक्टिव ये बात गलत है कहीं से भी मिल सकती है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ एक अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर एक सौ एक की विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इसने भी क्या पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है देख लेते हैं इन केस ऑफ जनरल ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी सही बात है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस हैज टू बी मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाई प्रपोजल इफ नॉट देन सम रीजनेबल ये भी बात सही है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू पर्सन अदर देन अ ऑफर इज नो कम्युनिकेशन इन आई ऑफ लॉ ये बात भी सही है कम्युनिकेशन में नॉट बी मेड बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ ये बात गलत है और इससे पूछा भी क्या है नॉट करेक्ट तो हमारा आंसर होगा यहां पे डी क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अब अगर आपने क्वेश्चन सेक्शन नंबर फोर पढ़ा होगा तो आपको ये ध्यान से याद आ रहेगा देख लेते हैं इसको एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर वेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर ये ऑप्शन सही है एज अगेंस्ट द प्रपोजर वैन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी पुट आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर यह भी बात बिल्कुल सही है तो यहाँ पर वन और टू ऑप्शन नंबर सी सही है दोनों सही हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री की बाय पोस्ट इज कंक्लूडेड एट द प्लेस पोस्ट के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट कहां पर कंक्लूड माना जाएगा जहां पर वो पोस्ट किया गया है फ्रॉम वेयर द ऑफर है ये तो बात हो गई कॉन्ट्रेक्ट वाली फ्रॉम वेयर द एक्सेप्टेंस है जहां से उसको पोस्ट किया गया हो तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर एक सौ पांच रिपीट है क्वेश्चन नंबर एक सौ छह भी रिपीट है क्वेश्चन नंबर सात भी रिपीट है क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर वन एट लास्ट शॉर्ट डॉक्ट्रिन अभी लास्ट शॉर्ट डॉक्ट्रिन होती क्या है वेयर कंफ्लिक कम्युनिकेशन आर एक्सचेंज ईच इज अ काउंटर ऑफर सो दैट इट इज इफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट एट ऑल इट मस्ट बी ऑन द टर्म ऑफ द फाइनल डॉक्यूमेंट इन दीरिज ऑफ लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बात क्वेश्चन आ जाए लास्ट शॉर्ट डॉक्ट्रिन की तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफर्स आ गए तो उसके अंदर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी लास्ट डॉक्यूमेंट को दी जाएगी और यहां पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन ये भी रिपीट है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रो टेलीफोन रिकॉर्ड एज कंप्लीट जब कब मानी जाएगी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वाली बात मैंने आपको कब बताई थी कब मानी जाएगी एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ पार्टी प्रपोजिंग क्वेश्चन नंबर एक सौ दस ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह कम्युनिकेशन और प्रपोजल इज कंप्लीटेड ये रिपीट है इनकेस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट एट वट पॉइंट इनकेस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट एट वट पॉइंट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजल पोस्ट की बात की गई है जैसे उसने लेटर पोस्ट कर दिया उसके हाथ से छूट गया हो लेटर एक्सेप्टेंस इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन उसने अपने हाथ से छोड़ दिया है तो यहाँ पर आव, रिपीट हो गया है अब इसका आंसर होगा वेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल अब जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा ये क्वेश्चन नंबर 115 सौ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन फोर एंड फाइव ये भी रिपीट है क्या नहीं था इसके अंदर फोर और फाइव के अंदर रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था क्वेश्चन नंबर 116 सौ सोलह प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड

ये वाला ऑप्शन इसने पूछा कैन नॉट बी रिवोक तो इस, इसका आंसर होगा डी अगर आपसे पूछ लेता कब रिवोक हो सकता है तो हमारे ए बी सी हो जाते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर एक सौ सत्रह रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय लेटर और टेलीग्राम कैन बी कंप्लीट किसी भी टेलीग्राम या टेलीफोन के द्वारा रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा वेन इट इज डिस्पैच गलत वेन इट इज रिसीव बाय द ऑफरी जब ऑफरी को मालूम पड़ जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एक सौ अट्ठारह वन वन एट अगर हम बात करें एक सौ अठारह की विच वन ऑफ दंडर आई सी एक्ट के अंदर क्या सही है एन एक्सेप्टेंस आफ्टर आफ्टरवर्ड ये वाली बात बिल्कुल सही है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ये बात सही क्यों है क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर थ्री और फोर उसके अंदर ये कंप्लीटली दे रखा है तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सेक्शन नंबर थ्री और फोर को एक बार थ्रू कर लेना क्वेश्चन नंबर एक सौ उन्नीस वन वन नाइन रिपीट है क्वेश्चन नंबर एक सौ बीस अ क्लॉज ऑफ वन स्पेशल वॉलेंट्री रिटायरमेंट पैकेजेस स्टेटेड इंटर आलिया एट वंस ऑप्शन इज मेड द एम्प्लॉय मेकिंग द स्पेशल ऑफर कैन नॉट विदड्रॉ इट सेक्शन फाइव ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेटेड दैट द एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टर वर्ड ये किसकी बात कर रहा है फोर की डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अब इन सब कंडीशन में से कौन सी बात सही होगी The provision of section five will shall प्रोविजन ऑफ सेक्शन फाइव गोर की बात है कब एक एक्सेप्टेंस रिवोक की जाएगी एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोम प्रोमिसी तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 122 बी एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ ए बाय पोस्टिंग अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू ए दिस एक्सेप्टेंस कैन नॉट रिवोक नाजी हो सकता है कैन बी रिवोक बाय ए बिफोर रीचेज ए Can be revoked by B before the letter reaches A. ये सही होगा एक बार बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं कैन बी रिवोक बाय बी एज सोन एज लेटर रीच इज एज सोन एज का मतलब थोड़ी होता है अगला कैन बी रिवोक बाय बी एट एनी टाइम आफ्टर आफ्टर का मतलब थोड़ी है बिफोर का मतलब है तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी तो क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक सौ तेईस क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है एन हाँ एक्सेप्टेंस इसका आंसर होगा as against the acceptor. और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थ्री और फोर को अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर रिवोकेबल दोनों रिवोक भी किए जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर की ए प्रपोज अ लेटर लेटर बाय 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 पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी द प्रपोजल ऑफ ए इज एक्सेप्टेड बाय बी बाय लेटर

क्वेश्चन नंबर एक सौ छब्बीस अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर एक सौ छब्बीस की द प्रपोजल इज नॉट रिवोक्ड बाय प्रपोजल कब रिवोक्ड नहीं हो सकता देख लेते हैं लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब हो सकता है ये गलत हो गया लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम हो सकता है ये गलत हो गया डेथ ऑफ ऑफर इवन इफ एक्सेप्टर इन इग्नोरेंस इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए थी अगर इग्नोरेंस नहीं होती तब तो हो जाता तो यहां पे होगा हमारा तो 126 का answer हो गया C. Question number 127। The proposal is revoked. कब होगा ओनली बाय ओनली है डेथ भी एक चांस है लेकिन ओनली थोड़ी है ये गलत हो गया बाय डेथ ऑफ इंस एफ फैक्ट ऑफ डेथ इफ द फैक्ट ऑफ अ डेथ और इंसेंटिव कम टू द नॉलेज गलत सॉरी बाय द डेथ और इंसेंटिव ऑफ द प्रपोजल इफ द फैक्ट ऑफ इज डेथ इंसेंटिव कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर अब यहां पर है बिफोर तो यहां पर जो नॉलेज थी वो बिफोर होनी चाहिए तो यहां पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन नंबर 128 के अगर हम बात करेंगे प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय कब रिवोक्ड होगी देख लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस से होगी बिल्कुल होगी फेलियर ऑफ एक्सेप्टेंट टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट होगी बिल्कुल होगी इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर व्हेन एक्सेप्टर कम्स टू नो इट बिफोर एक्सेप्टेंस ये भी तो इन तीनों कारणों से क्या होगा प्रपोजल रिवोक हो सकता है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट का आंसर नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 129 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू रिवोकेशन अंडर सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ जाएगा अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ना बाय फेलियर ना बाय ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब इन सच प्रपोजल ना by death of the acceptor. तो इसका होगा का कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देख लेते हैं प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ हो सकता है तो ये इनकरेक्ट नहीं है ये सही है प्रपोजल इज रिवोक्ड बाई लैप्स ऑफ टाइम ये भी हो सकता है ये इनकरेक्ट नहीं है प्रपोजल इज रिवोक्ड इफ डज नॉट एक्ट ऑन द प्रपोजल तो यहां पर ये नहीं है अगर ये नॉट नहीं होता तो हो जाता लेकिन यहां पे नॉट है तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर 131 क्या लिखा है टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इन टू अ प्रोमिस एक्सेप्टेंस मस्ट बी किसी भी प्रोमिस को बनाने के लिए या किसी भी प्रपोजल को किसमें कन्वर्ट करने के लिए प्रोमिस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड ये हमें बात करने रखी है सेक्शन सेवन के अंदर तो हमारा होगा ऑप्शन डी वन थर्टी टू रिपीट है इसका आंसर होगा बी सेक्शन सेवन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कर सही नहीं है एक्सेप्टेंस मस्ट बिन राइटिंग ना भी हो सकती है तो ये सही नहीं है ऑप्शन ए भी प्रपोजल की वैलिड एक्सेप्टेंस है इग्नोरेंस हो गई तो फिर ही की वैलिड गलत वेन एक्सेप्टेंस इज मेड इन यूजल एंड रीजनेबल मैनर बट नॉट इन मैनर प्रिस्क्राइब नॉट इन मैनर प्रिस्क्राइब आ गया तो ये भी गलत हो गया एक्सेप्टेंस इज मेड इन मैनर प्रिस्क्राइब जो तरीके से बोल रखे थे उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट किया है तो ये आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर का ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव एन एक्सेप्टेंस कंटेनिंग एडिशन लिमिटेशन और अदर मोडिफिकेशन शेल अमाउंट टू कोई भी ऐसी एक्सेप्टेंस है जिसके अंदर क्या है कोई एडिशन कर रखी हो कोई लिमिटेशन डाल दी हो कोई मोडिफिकेशन कर दी हो तो वो क्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर बोलेंगे और इसी का दूसरा नाम क्या है काउंटर ऑफर है अब चाहे आप ये देख लो चाहे आप ये देख लो दोनों बात सेम है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स क्या कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है इन केस ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट वेन द एक्सेप्टर स्पीक्स द वर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस सही बात कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो ना क्योंकि यहां पर क्या बात थी अनक्वालिफाइड थी एक्सेप्टेंस शुड बी इन द यूजल प्रिस्क्राइब मैनर हाँ ये सही है तो ऑप्शन वन एंड थ्री सही है तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सेवन वेन एक्सेप्ट इज एक्सेप्टेड विद द कंडीशन तो वो क्या बन जाएगा काउंटर ऑफर बन जाएगा ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट एज पर द मिरज मिरर इमेज रूल क्या होता है द ऑफर एंड द काउंटर ऑफर मस्ट बी मैच अदर ना एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल सही बात एंड शुड कॉरस्पॉन्ड टू द ऑफर ये बात सही क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट ऑप्शन नंबर बी ऑफर कैसा होना चाहिए जनरल होगा स्पेसिफिक होगा इनकेपेबल ऑफ कम्युनिकेशन होगा या पॉसिबल होगा ऑफर हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है स्पेसिफिक ऑफर को तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी ए आस्क बी आई वांट टू परचेज योर बाइक एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट बी ने रिप्लाई किया कि भैया कॉस्ट कम से कम बीस हजार की है अब हालांकि बी ने ये नहीं बोला कि मैं बेचूंगा बी ने बोला कि कॉस्ट इसकी बीस हजार कम से कम है ए वॉज इंटरेस्टेड इन परचेज बीस हजार में विच अब इस केस में क्या सही होगा देर वॉज अ प्रपोजल विच वॉज एक्सेप्टेड का प्रपोजल गलत है देर वॉज नॉर एक्सेप्टेंस सही होगा गलत होगा ये भी गलत है देयर वॉज अ प्रपोजल बट नॉट एक्सेप्टेंस प्रपोजल किसने दिया बी ने दिया सॉरी यहां पर प्रपोजल किसने दिया ए ने दिया क्यों ए ने क्या बोला कि मैं तेरी बाइक खरीदना चाहता हूं अब ये बी की मर्जी है कि उसको वो बेचे या ना बेचे तो यहां पर देयर वॉज अ प्रपोजल किसने दिया ए ने दिया लेकिन अब ये बी उसको बेचेगा एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा बी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर एक सौ इकतालीस वन फोर्टी वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस जहां पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो वहां पर हम क्या देखेंगे रीजनेबल टाइम देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन ऑप्शन नंबर डी प्रॉमिस के क्या क्या इंग्रीडियंट हैं क्या क्या है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दो ही इंग्रीडियंट हैं दो इंग्रीडियंट कौन कौन से हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस यही तो थे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सी कंडीशन एसेंशियल है देख लेते हैं मेटिंग ऑफ माइंड असेंशियल है या नहीं है बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फोर वेन द प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू द प्रोमिसी इट इज टेंडर टू ऑफर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ये दोनों होगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्या आता है ऑफर आता है क्या उसके बाद सीधा कंसिडरेशन आता है तो ये गलत हो गया एग्रीमेंट सबसे पहले नहीं आएगा सबसे पहले क्या आएगा ऑफर फिर एक्सेप्टेंस फिर क्या आएगा कंसिडरेशन फिर एग्रीमेंट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जनरल ऑफर इज करेक्ट क्या है जनरल ऑफर शुड बी मेड टू स्पेसिफाइड नॉट रिक्वाड एनी कंसिड्रेशन क्या सही है ऑप्शन नंबर सी सही है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट

मैक पेयरसन अपना वाला केस इन्विटेशन टू ऑफर से बनवारी लाल सुखदर्शन दास इंटेंशन टू क्रिएट से और एमसी ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स ये आपको ध्यान रखने हैं और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन एक्स ने अप्लाई किया था एक स्कूल के अंदर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल अब उसकी मैनेजमेंट के किसी एक आदमी ने उसको जानकारी दे दी कि आपका सिलेक्शन होने वाला है अब हालांकि ये जो जानकारी थी ये ऑफिशियल नहीं थी ये अनऑफिशियल थी अब लेकिन क्या हुआ उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं रखा गया अब यहाँ पर ये बात है कि ये जो एक्स है क्या ये क्लेम कर सकता है कि मेरे को प्रिंसिपल के तौर पर रखा गया था और अब नहीं रखा गया है तो यहां पर वो नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन थी वो ऑफिशियल नहीं थी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस एस देयर वॉज नो कम्युनिकेशन ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर का आंसर हमने आज डिस्कस किया सेक्शन क्वेश्चन नंबर वन से वन फोर्टी तक कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी से थ्री हंड्रेड तक आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हम कल दोबारा इसी समय पर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गुड बाय